हाय एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी है स्टफ अप्पे। हम घर पे जो डोसा इडली का बैटर बनाते हैं या बाहर जो रेडीमेड डोसा इडली का बैटर मिलता है, मैं उसी से स्टफ अप्पे बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 कप डोसे का इडली का बैटर ले लिया है। अब हम यहाँ पे टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट डालेंगे और थोड़ा शुगर पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करके हम 5-10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और तब तक हम हमारी स्टफिंग बना लेंगे। हमने स्टफिंग के लिए यहाँ पर 1 कप ग्रेटेड कैरोट लिया है, 1 कप मैंने फाइनली चॉप कांदा लिया है और मैंने 50 ग्राम के आसपास पनीर को ग्रेट करके ले लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने चीज ग्रेट करके लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट लिया है। हम ब्लैक पेपर यूज करेंगे, अगेन एज पर अवर टेस्ट शुगर और सॉल्ट। मैं सब एक बाउल में ले रही हूँ, जो भी हमारा इंग्रेडिएंट्स है स्टफिंग का। सॉल्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा शुगर पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। हमें ये सब अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा बैटर रेडी है और अब हमारी स्टफिंग भी रेडी है। मैंने यहाँ पे अप्पे पैन गरम होने के लिए रख दिया है। मैं यहाँ पर इसे घी से ग्रीस कर रही हूँ। अगर आपको बटर चाहिए तो हम बटर भी डाल सकते हैं। हम पहले हमारा जो बैटर है वो थोड़ा डालेंगे, क्योंकि हमें इसके ऊपर स्टफिंग भी डालनी है। अब हम स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग डालने के लिए आप कोशिश कीजिएगा कि छोटा स्पून यूज करें, तो परफेक्ट उतना ही स्टफिंग हर एक अप्पे में जाएगा। बैटर से इसे कवर करना है। इसे हम 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। हमें ये अंदर से और बाहर से अच्छे से कुक करना है, इसका हमें ध्यान रखना है, वरना ऐसा होगा कि ये बाहर से हमें लगेगा कि कुक हो गए हैं और अंदर से अनकुक रह जाएंगे। ऐसा हमें कवर करके स्लो गैस पे इन्हें 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे। हमारे अप्पे एक तरफ से सिक गए हैं, अब हमें इन्हें टर्न करना है। अब हम इसे फिर 2 मिनट के लिए सेकेंगे। देखिए, हमारे स्टफ अप्पे बिल्कुल बनके रेडी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।